हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीषा शर्मा और आपका अपने चैनल पीआरटी तैयारी पर बहुत बहुत स्वागत है। आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे, तो मैं बिल्कुल शॉर्ट में आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग पे बात करने वाली हूँ कि आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग क्या है, आप इसको अपनी क्लास में कैसे अप्लाई करोगे। ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। आर्ट इंटीग्रेटेड एक लर्निंग का एजुकेशनल अप्रोच है जिसमें हम आर्ट्स को और अकेडमिक्स को एक जगह लेके आ रहे हैं, आर्ट्स को एजुकेशन को लेकर आ रहे हैं एक साथ, जिससे कि लर्निंग एक फन बन सके, एंगेजिंग बन सके, क्लासरूम एनवायरनमेंट थोड़ा जो है वो फ्रेंडली हो सके और इंक्लूसिव हो सके, अलग अलग लर्निंग स्टाइल को हम केटर कर सके। और इसमें क्या है, हम विजुअल आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स आपको वही ड्राइंग पेंटिंग वगैरह, और परफॉर्मिंग आर्ट में जो है हम खुद कर रहे हैं डांस, ड्रामा, म्यूजिक, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हम क्या करते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने सब्जेक्ट्स के साथ, अपनी एजुकेशन के साथ, ठीक है। तो इनसे क्या क्रिएटिविटी बढ़ती है, अपने बच्चों को एक्सप्लोजन मिलता है, इमोशनल स्ट्रेस दूर होता है, इमोशनल के मतलब आउटलेट में मिलता है अपने अपने आप को अंदर से एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो बच्चे के अंदर बहुत सारे स्किल्स डेवलप होती हैं, ठीक है। और ये जो है फन है, एक्सप्लोर करते हैं बच्चे, सब्जेक्ट्स को अलग तरीके से रिलेट कर पाते हैं, ठीक है। तो ये आप आपसे पूछ रहे हैं कैसे अप्लाई करोगे, तो आप पोएम्स यूज कर सकते हो, म्यूजिक ऐड कर दोगे, ठीक है, और क्या कहते हैं, बच्चों से ड्राइंग बनवा सकते हो आप। और जैसे मैंने बहुत सिंपल सी बात है, मोटरसाइकिल वाली पोएम है, मैंने उसमें क्या किया, पोएम यूज़ की, ड्राइंग यूज़ की, ठीक है, एक्शंस यूज़ किए, पोएम और एक्शंस होते हैं, डांस करा सकते हो आप, ठीक है। तो आप ये बोल दो कि भाई हम जो है मैं पोएम का यूज़ करूँगा, म्यूज़िक का यूज़ करूँगा, ड्रामा करवाऊँगा, रोल प्ले करवाऊँगा अपनी क्लास में टॉपिक पढ़ाने के लिए, कोई भी कहानी रोल प्ले कराऊँगा, ठीक है। आर्ट, अब देखो, अब एक बंदर बाट की कहानी है तो आप उसमें बच्चों से मास्क बनवा सकते हो, ठीक है, बिल्ली और बंदर के, ठीक है, तो मास्क बनवा के रोल प्ले करवाओगे आप पोएम, तो ये आप अलग अलग दे सकते हो, ठीक है। साइंस का वही है कि हम पोएम के थ्रू साइंस पढ़ाएंगे, ठीक है। मोटरसाइकिल वाला बता दिया, इंग्लिश भी पढ़ा सकते हो आप, देखो मैंने इंग्लिश कैसे कराया, ठीक है। आप मैथ्स का पोएम, हमने मैथ्स की भी पोएम पढ़ाई, ठीक है। तो इस तरीके से आप बता सकते हो कि भाई मैं म्यूजिक का, ड्राइंग का, ड्रामा का अपने सब्जेक्ट्स में कैसे यूज़ करूँगा। इतने सारे एग्जाम्पल्स मैंने खुद ही आपको दे दिए, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो, आप यही है बस यही बोल दो कि क्रिएटिविटी को ऐड करने के लिए आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग बहुत अच्छी है और इसके बहुत सारे फायदे तो आपको पता ही है, ये मैंने लिख के बता दूंगी क्या है। तो ये आपको समझ आ गया कि आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग जो है एजुकेशन अकेडमिक्स के साथ आर्ट को जोड़ना, विजुअल आर्ट्स और परफॉर्मिंग आर्ट्स को, ठीक है। इससे जो है लर्निंग एंगेजिंग बनती है, क्रिएटिव बनती है, फन बनती है, बच्चा रिलेट कर पाता है और अपने आप को एक्सपोज करता है और अपने आप को एक्सपोजर देता है, अपने आप को आउटलेट देता है, क्रिएटिविटी डेवलप होती है, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप होती हैं। और एग्जांपल्स आप दे सकते हो कि मैं म्यूज़िक को, पोएम को, ड्रामा को, रोल प्ले को मैं मास्क बनाऊंगा, पपेट्स बनवाऊंगा और ऐसे ऐसे अपनी क्लास में कराऊंगा, ठीक है, रोल प्ले करवाऊंगा, म्यूज़िक करवाऊंगा, पोएम करवाऊंगा, डांस करवाऊंगा अपनी क्लास में। आप एग्जांपल दे देना, डांस कहाँ कराओगे, वर्क की एक्टिविटी में डांस करा सकते हो, ठीक है। और पोएम जो है इंग्लिश पढ़ाने के लिए ग्रामर टॉपिक्स हैं, तो आप इस तरीके से, मैंने बहुत सारे पीछे वाली जो वीडियो है उसको भी बताया या अभी शायद मैं डालूंगी, तो उस वाली डेमो वाली वीडियो में बहुत सारी आइडियाज़ दिए, तो आप उनको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाली जो सिचुएशन है ये विन विन सिचुएशन होती है टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी, क्योंकि बच्चे भी सीख रहे हैं और टीचर्स भी अपना ग्रो कर रही हैं और अच्छे से पढ़ा रही हैं। तो आप कैसे क्या यूज़ कर सकते हो, तो जो डांस है वो आप पैटर्न में यूज़ कर सकते हो, मैथ्स में जो है शेप्स पैटर्न उनको ड्राइंग के थ्रू पढ़ा सकते हो, डांस के थ्रू पढ़ा सकते हो, सॉन्ग के थ्रू पढ़ा सकते हो। साइंस में आप क्या मॉडल, पिक्चर, चार्ट बना सकते हो, ठीक है, और पोएम यूज़ कर सकते हो, स्टोरी यूज़ कर सकते हो। लैंग्वेज में भी आप क्या पढ़ा सकते हो, स्टोरी बुक बनवा सकते हो ड्राइंग के थ्रू और विजुअल स्टोरी टेलिंग कर सकते हो, रोल प्ले करवा सकते हो, मास्क बनवा सकते हो। एसएससी में भी सेम स्टोरी और रोल प्ले और डांस और स्टोरी, ठीक है। और मैथ में वही आर्ट, पैटर्न, डिजाइंस, ठीक है, स्कल्पचर्स और कलेक्शन के लिए आप करवा सकते हो, ये सब चीज़ें हैं। साइंस के लिए ड्राइंग, पेंटिंग, रिसाइकल मटेरियल से आर्ट एंड क्राफ्ट करवा सकते हो, ठीक है। सोलर सिस्टम, वही अलग अलग चीज़ों का यूज़ करके आप कुछ बनवा सकते हो। फेस्टिवल्स के लिए रोल प्ले करवा सकते हो, ओरिगेमी शीट से कुछ बनवा सकते हो, प्रिंट मेकिंग, फोटोग्राफी, पोएट्री, शॉर्ट स्टोरीज, प्ले, ये सब चीज़ें आप अपने सब्जेक्ट्स में यूज़ कर सकते हो आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग के लिए।